हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। ये भी मैं पहली बार घर पे ही ट्राई करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने जो सब्जियाँ लेनी थी उसको लंबा लंबा काट लिया है। ये मैंने ली है कैबेज, बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम एंड अनियंस। सबको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब हम इनको सॉटे कर लेंगे सब सब्जियों को। मैंने पैन ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, जैसे कि सब्जियों को सॉटे करने के लिए। बस पहले मैं अब इसमें डालूंगी ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक। फिर हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। सारी कटी हुई हरी मिर्च मैंने डाल दी है। इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी सारी कटी हुई सब्जी डालेंगे। मैंने सारी सब्जियां डाल ली हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना होता, बस थोड़ा सा इसका क्रंचपन आ जाए। अब हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से सॉटे कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर। अब डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम मैदे का आटा लेंगे 1 कप और उसका डो तैयार कर लेंगे। और मैं डो तैयार कर लेती हूँ। मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे लोइयां। मैंने इस डो को 20 मिनट पर रेस्ट करने के लिए भी रख दिया था। इसको 20 मिनट के बाद अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। पहले इसको लंबा लंबा कर लेंगे, फिर हम इसको काटेंगे। मैंने लोइयां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसकी बनाएंगे पतली पतली शीट्स। मैंने स्प्रिंग रोल के लिए पतली पतली शीट्स बना ली हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल्स भरेंगे और इसमें वेजिटेबल्स भर के इसको रोल करेंगे। अब इसमें मैंने सब्जियां रखी हैं, बिल्कुल मतलब नीचे नहीं करनी है क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। सब्जियां डाल के अब हम इसको फोल्ड करेंगे। और इसको चिपका देंगे। पहले इसके लिए मैंने स्लरी बना के रखी है ऑलरेडी। ये भी मैदे से बनती है। इससे हम इसको चिपका देंगे इसके कोनों से, ऐसे इस पे लगा देंगे। ऐसे पूरे अच्छी तरह से लगा देना है। अब हम इसको हल्के हाथों से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखो मेरा एक रोल बनकर तैयार है। ऐसे ही हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। हम एक पैन चढ़ा लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। अब हम इसको मीडियम ऑयल को हीट करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हीट हो गया है। अब मैं इसमें रोल्स डालूंगी जो मैंने तैयार करके रखे हैं। मैंने
इसमें रोल डाल दें। अब हम इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे स्प्रिंग रोल्स बनके रेडी है। मैंने इसको तो काट लिया है और अब इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। आप इसको कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने मेयोनीज ली है, शेजवान चटनी ली है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी बनाकर इसको जरूर एक बार ट्राई करें।